एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रोशनी काव्य में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। और आज मैं एक ऐसे मंदिर की कहानी लेकर आया हूँ आप सबके बीच में, जो 15वीं शताब्दी से जिसका इतिहास जो है जुड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि वो मंदिर का जो है ये फ्रंट है, 15वीं शताब्दी में रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला जो यहाँ के राजा हुए, उन राजा से जो मंदिर है वो उन राजा के द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया। और इसी मंदिर की एक बड़ी ही रोचक कहानी आप सबके बीच में आज लेकर आया हूँ कि एक जहाँ भगवान श्री राम को एक राजा के रूप में जहाँ पूजा जाता है, और समूचे हिंदुस्तान का एक ऐसा मंदिर है जो जहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर भगवान श्री राम को समर्पित किया जाता है। तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो मंदिर का एंट्रेंस द्वार है, मैं वहीं से वीडियो को मैंने शूट करना स्टार्ट किया है। और इस वीडियो में आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए, और भी बहुत सारी बातें आज आप सबके बीच इस मंदिर के बारे में शेयर करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहना। तो फ्रेंड्स अगर इस मंदिर तक जाने और आने की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे ऑटोज़ वगैरह जो हैं अवेलेबल रहते हैं, काफ़ी कम रेट पर जो है यहाँ पर आपके लिए ऑटो मिल जाएगा। ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो मंदिर की डिस्टेंस है वो केवल 8 किलोमीटर के समथिंग है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑटो वगैरह खड़े हैं, और ये सारे अपने अपने नंबर से चलते हैं यहाँ पर। और चार्जेस जो हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं है, केवल 20 रुपये चार्जेस है, 20 रुपये चार्जेस हैं ये ऑटो वाले हैं। कैसा है कुछ बताएंगे मंदिर के बारे में? बताओ कहो भी बताओ, बताओ मंदिर अच्छा है, जो भी बता सकते हो बोलो। तुम तो ही क्यों हो, चलो बताओ क्या बता रहे थे तुम मंदिर के बारे में, क्या है स्पेशल यहाँ पे? मंदिर है, किला है, अच्छा नदी है, नदी है, कौन सी नदी है वो? बेतवा नदी है, बेतवा नदी के किनारे जो है ये लोकेशन जो है स्थित है। हाँ वगैरह भी बढ़िया बढ़िया है। चलो ठीक है। तो बहन फ्रेंड्स रुकने की भी जो है एक बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, काफ़ी कम से कम रेट पे आप आसानी से यहाँ पे अगर होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, थैंक यू, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो है ओरछा धाम है, और ओरछा धाम का जो मेन ये है मुख्य द्वार, मंदिर का जो मुख्य एंट्रेंस है। यहाँ पर बहुत सारी मिठाई और गिफ्ट आइटम्स की दुकानें हैं, भोजनालय वगैरह भी आप लोग जहाँ तक मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स की दुकानें हैं, बड़ी आकर्षक सी दुकान आप जहाँ तक मेरे पीछे देख रहे होंगे। बाकी इसका मैं जो मैं यहाँ पर जो भी आइटम्स वगैरह मैं देख रहा हूँ इस दुकान में, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी आकर्षक हैं। आप जहाँ तक देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, देश विदेश से जो है कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं। ये मैम है, ये बैंगल्स जो है बैंगल्स खरीद रही हैं, और यहाँ पे जो सेलर्स हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी काफ़ी कुशल हैं कि उनको आसानी से वो चीज़ समझा के बड़े आसानी से जो है सामान को अपने बेच पाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, ये काफ़ी इस एरिया का जो है फेमस और काफ़ी प्रसिद्ध प्लेस है यहाँ का। जो ये है राम राजा सरकार ओरछा का ये मेन एंट्रेंस गेट है, और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, छोटी छोटी यहाँ पर दुकानें लगाई हुई हैं, और चारों तरफ का आप लोग व्यू देख सकते हैं। और यहाँ पर भोजनालय वगैरह भी है, और मतलब खाने पीने की में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिठाई की बहुत सारी दुकानें हैं, और गिफ्ट आइटम की भी आपको बहुत सारी दुकानें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और ये चूड़ियाँ वगैरह, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट जो है और सभी कंट्री से यहाँ पर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और अगर इन दुकानों की स्पेशल अगर मैं बात करूँ तो बात यह है कि यहाँ गिफ्ट आइटम आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं, काफ़ी यूनिक आइटम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और जहाँ तक मैं कहीं दूसरी जगह भी गया, मुझे इस टाइप का आइटम्स वगैरह, हाँ एक गिटार जो है कितने का है? 120। हाँ तो देखो भाई रेट भी जो है एकदम काफ़ी जायज़ रेट है, कोई आपसे फालतू पैसा नहीं लिया जा रहा है कि अगर कहीं आप ऐसी जगह पर। ये देखो गन, ये इसमें क्या वो मतलब लकड़ी वाला सिस्टम होगा इसमें? चलिए
तो बज चुके हैं रात के 8:30 और हम लोग अभी ओरछा में आरती से फ्री हुए हैं। अंदर वीडियो नहीं बनाने देते, फिर भी हमने थोड़ा सा वीडियो आप लोग के लिए शूट किया है। वैसे बहुत अच्छा लगता है अंदर, लेकिन नहीं बनाने देते, वहाँ का कुछ प्राइवेसी है जो नहीं बनाने देते हैं वीडियो। पीछे का व्यू दिखा, मैं आपको पीछे का व्यू भी दिखाती हूँ, बाकी पार्ट टू पार्ट में डाल दूँगी क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा नहीं तो।